सरजमी जम्मू और कश्मीर, फिजा में केसर की खुशबू, बर्फ की चादर लपेटे पहाड़, वादियों में चश्मे और धाराओं से कलकल करता पानी, चिनार के पेड़ों से झांकती हुई धुंध। किसी ने सच कहा है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में विकास की गंगा तेजी से बहने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिचालित समाज एवं अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देती सड़क परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए NHAI NH44 के श्रीनगर जम्मू खंड को 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से 4 लेन NH मानकों तक चौड़ा कर रहा है, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई वाली 27 सुरंगों के निर्माण के लिए 7,330 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इस परियोजना द्वारा NH44 की पूर्ववर्ती 320 किलोमीटर लंबाई 245 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। 4 लेन वाले इस हाईवे का जम्मू से रामबन तथा बनिहाल से श्रीनगर तक का 210 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें 16 टनल और 9 बाईपास का निर्माण किया गया है। इसी प्रोजेक्ट में शामिल 9 किलोमीटर वाली भारत की सबसे लंबी राजमार्ग चेनानी नाशरी श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग तथा जुलाई 2021 में पूरी हुई 8.5 किलोमीटर लंबी काजीगुंड से बनिहाल हाईटेक ऑल सीजन टनल का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। जुलाई 2021 में काजीगुंड बनिहाल सुरंग को यातायात के लिए खोले जाने के बाद से कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच चरम सर्दियों के मौसम चिलनिया कला में भी साल भर संपर्क सुनिश्चित किया गया है। इन टनल्स में आपातकाल में संपर्क करने के लिए टेलीफोन सेवा, ले बाय रोड, आधुनिक लाइटिंग आदि सुविधा उपलब्ध हैं।